दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ पांच अमेजिंग एनिमे मूवीज जिनको देखने के बाद आप एनिमे मूवीज की रिकमेंडेशन की डिमांड करने वाले हो। ये एनिमे थोड़े पुराने जरूर हैं, बट हमें टाइम टू टाइम ओल्ड क्लासिक चीजों की तरफ भी रुख करते रहना चाहिए जिससे हमारे नेचर में थोड़ा बैलेंस बना रहे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर वन पर है कीकीज डिलीवरी सर्विस। तो इस एनिमे की स्टोरी से आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के बारे में भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये स्टोरी है एक विच की जिसका नाम होता है कीकी। अब कीकी 13 साल की हो जाती है। तो एक दिन रेडियो सुनते सुनते उसको ये ख्याल आता है कि अब उसका घर छोड़ने का समय आ चुका है और अब उसको सीखना होगा कि खुद के पैरों पर खड़े होकर जिंदगी कैसे जी जाती है, क्योंकि यही विचेस का ट्रेडिशन होता है कि इस एज में आने के बाद उनको 1 साल तक अकेले रहना होगा। अब कीकी अपनी कैट के साथ अपना घर छोड़ के चली जाती है। बाकी की कहानी में क्या होता है यह आपको मूवी देख कर जानना पड़ेगा कि किस तरह कीकी 1 साल तक सरवाइव करती है और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसको ये समय बिताने के लिए। नंबर टू पर है स्पिरिटेड अवे। 2001 में रिलीज हुई इस मूवी की स्टोरी फैंटेसी हॉरर पर बेस्ड है, जहां हमें देखने को मिलता है कि शिरो ओगिनो एक 10 साल की लड़की जो अपने माँ बाप के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए ट्रेवल कर रही होती है, वहीं अचानक उसके पिता के मन में एडवेंचर करने का ख्याल आता है और वो एक अबेंडेंट अम्यूजमेंट पार्क की तरफ मुड़ जाते हैं जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। वहाँ शिहोरो के पेरेंट्स खाना शुरू करते हैं और शिहोरो उस जगह को एक्सप्लोर कर ही रही होती है, तभी उसको बाथ हाउस में एक लड़का मिलता है जिसका नाम है हाकू। हाकू शिहोरो को वहां से जाने के लिए कहता है, पर जब तक वो वापस आती है बहुत देर हो चुकी होती है। वो देखती है कि उसके माँ बाप पिग्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं और एग्जिट ओशन वाटर से घिर चुका होता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो उसको पता चलता है कि वो एक स्पिरिट वर्ल्ड में फंस चुकी है। अब कहानी में आगे क्या होगा, क्या शिहोरो इस मिस्टीरियस दुनिया से खुद को और अपने माँ बाप को बाहर निकाल पाएगी, ये तो आपको फिल्म देख कर ही जानना पड़ेगा। नंबर थ्री पर है प्रिंसेस मोनोनोके। इस फिल्म की कहानी में दिखाया है कि प्रिंस अशिटा का एक इनक्योरेबल डिजीज से घिर जाता है। अब उसको अपनी इस बीमारी को क्योर करने के लिए अपनी टेरिटरी से दूर ईस्ट में ट्रेवल करना होगा, जहाँ उसकी मदद एक हिरन जो कि एक डेमी गॉड होता है वही कर सकता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसको पता चलता है कि उस जंगल के जानवरों और आयरन फैक्ट्री के इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बीच में जंग छिड़ी हुई है जो जंगल को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। जंगल की तरफ से उस वॉर को लीड कर रही होती है एक प्रिंसेस जिसका नाम होता है मोनोनोके। अब फिल्म को देखकर यह आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह वो प्रिंस क्योर को हासिल करेगा और उस वॉर का क्या एंड होता है। नंबर फोर पर है हाउस मूविंग कासल। तो इस मूवी की कहानी घूमती है यंग सोफी के अराउंड जो कि एक हैटर होती है। एक दिन एक विच के कर्ज की वजह से वो एक बूढ़ी औरत में चेंज हो जाती है। अब उसको वापस अपने यूथ में आने के लिए एक डीमन कैल्सिफायर को आजाद करना होगा और इसी बीच उसको उस कैल्सिफायर से प्यार हो जाता है। सोफी कैल्सिफायर को हेल्प करती है और कहानी आगे बढ़ती है। अब देखना यह है कि क्या वो दोनों वापस से आजाद हो पाएंगे या कहानी का एंड कुछ और ही है। नंबर फाइव पर है पोनियो। तो मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक 5 साल का लड़का जिसकी मुलाकात एक गोल्ड फिश प्रिंसेस से होती है और कैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर पोनियो को फिश से ह्यूमन में चेंज होने की वजह से काफी डेंजरस इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। मूवी में आगे देखने को मिलेगा कि क्या रीजंस की वजह से ये इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं और क्या पोनियो और सुसुके दुनिया को बचा पाएंगे और पोनियो का जो सपना है सुसुके के साथ रहने का वो पूरा होगा भी या नहीं। तो दोस्तों ये थी लिस्ट। इन फिल्म्स को देखकर आप मुझे बताना कि आपको ये फिल्म्स कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।